हो और आपकी मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जुलाई का महीना जो है आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। उम्मीद करती हूँ आपने जून की प्रेडिक्शंस ऑलरेडी देख ली होंगी और ऑलरेडी चीज़ों को आप अप्लाई कर रहे होंगे अपनी लाइफ में और उम्मीद करती हूँ आपके लिए वर्क कर रही होंगी और आपको डेफिनेटली जो गाइडेंस चाहिए होगी वो मिली होगी। और अगर मिली है तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए वीडियोस पे और उनको शेयर ज़रूर कीजिए। अभी जून का महीना चल रहा है और आज बात करते हैं जुलाई की एनर्जी जो है वो लियो के लिए यानी सिंह राशि के लिए कैसे रहने वाली है। सन मून राइजिंग जैसे भी आप सूर्य राशि चंद्र राशि या लग्न राशि जैसे भी आप लियो के साथ सिंह राशि के साथ कनेक्ट करते हैं उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। सो लेट्स सी लियो के लिए किस तरह का रहने वाला है जुलाई का महीना सिंह राशि के लिए क्या क्या लेकर आने वाला है, क्या क्या होने वाला है। वाओ, काफ़ी कुछ हलचल मुझे दिखाई देती है जुलाई के महीने में लियो आपके लिए। पास्ट कमिंग बैक इन अ बिग वे, नॉस्टैल्जिया की एनर्जी। अब देख लेते हैं कि आपकी गाइडेंस जो है वो क्या है जुलाई के महीने के लिए लियो के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, और देख लेते हैं आपको मेन जो एरिया है किस पे फोकस करना है, किस चीज का सबसे खास ध्यान रखना है। सो लियो के लिए सिंह राशि के लिए किस चीज का रखना है खास ध्यान। सो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपके लिए ये महीना ओवरऑल कैसी एनर्जी लेकर आने वाला है और कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड जो यहाँ पर टर्न हुआ वो सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है। सिक्स ऑफ कप्स नॉस्टैल्जिया की एनर्जी बताता है, पास्ट कमिंग बैक की एनर्जी बताता है, पास्ट से कुछ मैसेजेस, पास्ट की कुछ लर्निंग्स, ये सारी चीजें जो है अपने साथ लेकर आता है और कुछ अननोन मैसेंजर्स जो मे बी आप जो भी कर रहे हैं वो सुन रहे हैं, जो भी जिससे भी बात कर रहे हैं वो देख रहे हैं, चीजों को नोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये एनर्जी है। दूसरी एनर्जी जो है चॉइसेस की एनर्जी है। ये एनर्जी है जहां पर आपको एक चीज को छोड़कर दूसरी चीज को लेकर आगे बढ़ना है। ये वो एनर्जी है जहाँ पर अब आपको आगे का रास्ता चुनना है क्योंकि आप दोनों तरफ नहीं रह सकते हैं, आप पास्ट और फ्यूचर दोनों को एक साथ नहीं रख सकते हैं। और ये वो एनर्जी है जहाँ पर आपको प्रेजेंट में ज़्यादा फोकस करना है। तीसरा हायरोफेंट है और ये ट्रस्ट करने की एनर्जी है। तो जो भी आपकी इंस्टिंक्ट बोलती है, जो भी आपकी इनर वॉइस बोलती है उस पर विश्वास करना, जो आपने सीखा है अब तक उस पर विश्वास करना और उस विश्वास के साथ चीज़ों को आगे लेकर जाना, ये लर्निंग की एनर्जी भी होती है। सो वो मैं आपको आगे जैसे हेल्थ वेल्थ लव डेस्टिनी करियर सब कुछ में मैं बात करूंगी तो मैं आपको और भी इसके मीनिंग्स आपको पता लगेंगे आपको क्या क्या चीजें कनेक्टेड हैं। उसके अलावा यहाँ पर फियर छोड़ देना, अपना डर जो है उसको छोड़ देना, उसकी एनर्जी दिखती है। सो फियर, डर जो है वो किसी भी तरह का आपके माइंड में हो उसको आपको कंप्लीटली छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपके वो पास वो सब कुछ है जिसको लेकर आपको आगे का रास्ता लेना है। पर डर किस चीज़ का है, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों में कनेक्ट करने का, फैमिली एक्सटेंड फैमिली के साथ कनेक्ट करने का, किसी तरह की सेलिब्रेशन, किसी तरह के ट्रैवल का हो सकता है, इन सब चीज़ों को लेकर, फैमिली को लेकर, फैमिली क्या सोचेगी क्या समझेगी उसको लेकर थोड़ा सा डर हो, या फैमिली किस तरह से रिएक्ट करेगी चीज़ों को उसको लेकर थोड़ा सा डर हो। बट कार्ड्स बोलते हैं कि डर जो है वो बिल्कुल छोड़ दीजिए क्योंकि कि कोई जगह नहीं है। और जैसे ही आप डर छोड़ेंगे, देयर इज न्यू सन राइजिंग एंड देयर इज एम्परर। सो बेसिकली नई बिगिनिंग, नई शुरुआत, ट्रैवल मूवमेंट, और उस ट्रैवल मूवमेंट और नई शुरुआत के साथ ही पावर, अथॉरिटी और अपनी एनर्जी पे, मतलब जीत की एनर्जी, क्योंकि वहां पर झंडे फहरा रहे हैं, उसने अपनी जीत जो है वो हासिल कर ली है। और दैट्स द एनर्जी, पावर की एनर्जी, अथॉरिटी की एनर्जी, एक्सपीरियंस की एनर्जी, जीत की एनर्जी, वो सारी एनर्जीज मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं आपके हेल्थ के प्रस्पेक्टिव से। सो हेल्थ के प्रस्पेक्टिव से, और मैंने पिछली बार आपसे पूछा था हाउ यू वांट द रीडिंग्स टू बी डन, मैं सामने आके बोलूँ या आपने कार्ड्स देख के वो करना है, तो आई हैव नॉट गॉटन योर फीडबैक या मैसेजेस। तो आप प्लीज़ ये ज़रूर मुझे बता दीजिए कि आपको कैसे वीडियो प्रेफर करते हैं, कि मैं सामने आकर बात करूँ या ऐसे आप कार्ड्स देख कर प्रेफर करेंगे। ओके, सो हेल्थ के लिए सबसे पहले, तो हेल्थ के लिए सबसे पहली चीज़ जो मुझे आपके हेल्थ में दिखाई दे रही है वो है हेडेक्स हो सकती हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है हीट एनर्जी का, हीट वेव्स की वजह से हेडेक्स, वॉमिट, वो सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी पॉसिबल हैं होना, तो आपको उन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मौसम से रिलेटेड जो चेंजेस हैं, या गर्मी में आप जा रहे हैं तो अपनी वाटर इनटेक, अपनी डाइट जो है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ट्रैवल की एनर्जी है, तो ट्रैवल तो आप करेंगे ही करेंगे, तो ट्रैवल करेंगे तो ट्रैवल के वक्त थोड़ा सा हीट का ध्यान रखना जो ज़रूरी है, थोड़ा सा वाटर इनटेक का ध्यान रखना ज़रूरी है, थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है, तो वो एक चीज़ है।
दूसरा, अगर आपको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इश्यूज है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इश्यूज जो है वो थोड़े से एग्रीवेट हो सकते हैं इस टाइम में, अगर आप उन पर ध्यान नहीं देंगे तो। अगर आप एड्रेस करेंगे, ध्यान देंगे, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। और तीसरा हार्मोनल इश्यूज, तो थोड़ा सा अपने हार्मोनल बैलेंस पे ध्यान देना है, और हमारे हार्मोन्स हमारे इमोशंस के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। इमोशनल बैलेंस रखेंगे तो हार्मोनल बैलेंस अपने आप धीरे 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 आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो इन इन चीजों का अगर आप, और हार्मोनल बैलेंस का रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कनेक्ट होता है, तो ये इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए डेफिनेटली चीजें बेहतर जाएंगी। एक आखिरी चीज जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इस, जहाँ पर कुछ मोच आना या ट्विस्ट हो जाना एंकल का, उस तरह की थोड़ी सी एनर्जी दिख रही है, तो उसका आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, ठीक है। सो हेल्थ को लेकर ये सब प्रिकॉशंस हैं, और अगर आप ध्यान रखेंगे, आपको पहले से पता है, आप थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी। दूसरा, अगर आपके वेल्थ के बारे में बात करें, मनी के बारे में बात करें, तो इतने कार्ड्स में पेंटिकल कार्ड कोई भी नहीं आया है, लेकिन हैविंग सेड दैट मुझे नहीं लगता कोई इशू है, क्योंकि जो कार्ड्स हैं आपके काफ़ी पॉजिटिव हैं। सन कार्ड है, एम्परर का कार्ड है, नई एनर्जी का, नई बिगिनिंग का कार्ड है। हाँ, मनी को लेकर कुछ चॉइसेस करनी पड़ सकती हैं, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर कुछ चॉइसेस करनी पड़ सकती हैं। हो सकता है कि कहीं आप पैसा लगाने में थोड़े फेयरफुल हों, या कहीं आप किसी चीज को मनी से रिलेटेड एड्रेस करने में थोड़े फेयरफुल हों, तो वो फियर जो है वो थोड़ा सा आपने छोड़ देना है। फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली से हेल्प मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकता है, पुरानी कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो पे बैक कर सकती है, तो ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है, घबराना नहीं है। और मुझे ओवरऑल एनर्जी मनी को लेकर एक स्टेबल बैलेंस की एनर्जी लग रही है, और मुझे नहीं लगता कि मनी इसमें इन महीने एक डिफरेंशिएटर होने वाला है बहुत बड़ा आपके लिए। मोर ऑर लेस यू विल बी मुझे छींक आते आते रुक गए। ओके, सो यू विल बी मोर और लेस, यू विल बी फाइन, एंड थोड़ा सा बैलेंस रखेंगे तो मनी का फ्लो बिल्कुल ठीक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, अगर मैं आपके रिलेशनशिप्स के बारे में बात करूं, क्योंकि रिलेशनशिप्स की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ चॉइसेस होने वाली हैं, कुछ पास्ट की रिलेशनशिप, कुछ प्रेजेंट रिलेशनशिप्स, उनको कैसे बैलेंस करना है, उनको कैसे एक साथ लेकर आना है, ये एक प्रॉब्लम जो है वो इस महीने आप थोड़ा सा फेस करने वाले हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर तो आप रिलेशनशिप में हो, मतलब लव रिलेशनशिप में हो, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि फाइनली फैमिली को इंट्रोड्यूस करने का टाइम जो है वो आ गया है, और वो टाइम जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है हैंडल करने के लिए, बिकॉज कुछ लोग जो हैं वो बहुत एडमेंट या स्ट्रांग होने वाले हैं, तो वो एड्रेस करना थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, मुझे चाइल्ड एनर्जी दिख रही है, प्रेगनेंसी की एनर्जी दिख रही है, बेबी बर्थ की एनर्जी दिख रही है। अगर आप मैरिड हो और मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो मुझे थर्ड पार्टी, अ काउंसलर, उसकी एनर्जी दिख रही है, जिसके कारण आप एक्चुअली डिसाइड कर पाओ कि आपको फ्यूचर जो है वो किस हिसाब से करना है। अगर आप हैप्पीली सिंगल हो तो आपकी फैमिली के साथ कनेक्ट करना, या फाइनली फैमिली को छोड़कर बाहर निकलना, घर छोड़कर बाहर निकलना, वो दोनों एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। इफ़ यू बिन लिविंग अवे फ्रॉम द फैमिली, तो फैमिली से कनेक्ट करना, और अगर फैमिली के साथ रह रहे हो तो फैमिली को छोड़कर आगे बढ़ना अपने करियर के लिए, अपने डिसीजंस के लिए, वो मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रिलेशनशिप्स में एक और एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, विच इज जहाँ पर प्रोबेबली यू विल हैव टू डू अ चॉइस बिटवीन पास्ट में, अगर कोई रिलेशनशिप आपका वापस आ रहा है, तो आपको चुनना है कि आपको वो रिलेशनशिप अपनी लाइफ में वापस रखना है या आगे बढ़ जाना है। और मुझे लगता है एक चांस दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी चीज़ आपको आपके टर्म्स के हिसाब से ना हो, एक चांस दे सकते हैं, बात कर सकते हैं, चीज़ें सुधरी हैं, नहीं सुधरी हैं, चेंज हुई हैं, नहीं हुई हैं, और अगर नहीं चेंज हुआ है तो आप बिना किसी डर के आगे बढ़ सकते हैं, अगर चेंजेस हुए हैं तो फिर आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, दैट इज़ कि फैमिली को लेकर या पास्ट के किसी बिट्रेयल या पास्ट के किसी स्टेप को लेकर मुझे लगता है कि बड़े लेवल पे कोई डिसीजन हो सकता है। हो सकता है आपके फैमिली के जो बड़े हैं वो डिसीजन लें, या किसी चीज़ को लेकर आपको लोगों से बात करनी हो, किसी बाहर के लोगों से बात करनी हो, और अचानक से कोई फैमिली में वापस आ जाए, या अचानक से कोई मीटअप हो जाए, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बट इट लुक्स लाइक ऑल इज़ गोइंग टू गो वेल, क्योंकि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस ही बढ़ेगा और चीजें जो है वो वर्कआउट ही करेंगी। उसके अलावा एक और चीज का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत एडमिंट नहीं होना है आपने, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखना है, बैलेंस रखना है, और सबको साथ में लेकर चलने की अप्रोच जो है रखनी है। वाइल सेइंग दैट, आपको अपने आप को लूज नहीं करना है इसमें, तो एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना जरूरी होगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो एन एनर्जी ऑफ ट्रैवल, तो फैमिली के पास या फैमिली से दूर, बट ये जो ट्रैवल है ये किसी तरह का फियर जो है उसको एड्रेस करने की एनर्जी भी साथ में देता है।
तो आपको डरना नहीं है, जो भी आपको बोलना है, जो भी आपको एक्सप्रेस करना है, जो भी आपको छोड़कर आगे बढ़ना है, यू हैव कंप्लीट एनर्जी एंड यू कैन डू दैट। इन टर्म्स ऑफ योर करियर, मुझे करियर में यहाँ पर थोड़े से ऐसा दिख रहा है जहाँ पर पास्ट का कोई ऐसा पर्सन जो आपके साथ बहुत अच्छे से जुड़ा था, कनेक्टेड था, हो सकता है आप उससे बात करना चाह रहे हो करियर को लेकर, चेंज को लेकर, या करियर की कोई अपॉर्चुनिटी को लेकर आप थोड़ा हिचकिचा रहे हो कि करें कि ना करें। कर लीजिए बात, आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बेनिफिट भी मिलेगा। दूसरा, करियर को लेकर कुछ चॉइसेस आ सकती हैं, आपकी जो पास्ट ऑर्गेनाइजेशन है या फ्यूचर की कोई अपॉर्चुनिटी है और उनके बीच में चुनने की जो है एनर्जी हो सकती है, और मुझे ऐसा लगता है कि बिना डरे चुनाव करें। और अगर किसी के साथ कोई सीनियर अथॉरिटी के साथ किस तरह की कोई मीटिंग है, तो अपने वर्ड्स जो है, अपने पॉइंट्स जो है, अपनी हेजिटेशन या अपने प्रॉब्लम्स जो है उनके बारे में बात करें, उनको आगे रखें, लेकिन अपने शब्दों का चुनाव बहुत अच्छे से करें। ये बस, अगर आप सही शब्दों का चुनाव करेंगे तो कोई भी मीटिंग आपकी जो है वो फायदेमंद ही जाएगी। समबडी अथॉरिटेटिव, उसको अगर आप सही तरह से टैकल कर लोगे तो एक्चुअली चॉइसेस जो है वो सारी आपके फेवर में होंगी। यहाँ पर कुछ फर्दर स्टडी की एनर्जी भी है, तो आप में से कोई जो है अगर पढ़ने की सोच रहा है और फैमिली से दूर जाना है पढ़ने के लिए, तो वो स्टेप भी लिया जा सकता है, जा सकते हैं और पढ़ाई के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लर्निंग की एनर्जी डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बस डिटरमाइंड रहना पड़ेगा। अगर आप डिटरमाइंड होंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही चीजें होंगी आपके लिए। अब बात कर लेते हैं कि आपका फोकस पॉइंट जो है वो क्या होने वाला है इस महीने। जो मेन मैसेज है वो है हमिंग बर्ड जो है वो बोलता है लाइटन अप। इसका मतलब है अपने आप को बैलेंस करना, अपने आप को लाइट करना, ज़्यादा फियरफुल नहीं रहना, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना, ज़्यादा सोचना नहीं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ट्रस्ट करना, फ्लो करना। एंड ये इस महीने आपकी मेन एनर्जी रहेगी, बी जॉयफुल, बी हैप्पी। जितना ज़्यादा आप लाइट रखोगे अपनी एनर्जीज को, जितना ज़्यादा आप लाइट रखोगे अपने थॉट्स को, जितना ज़्यादा आप लाइट रखोगे अपने माइंड सेट को, जितना स्ट्रेस फ्री रहोगे, उतना ज़्यादा अच्छी एनर्जीज, उतना ज़्यादा फ्रूट, उतना ज़्यादा अच्छा आउटकम जो है, उतना ज्यादा रस जो है, उतना ज्यादा जूस जो है वो आपकी तरफ आएगा। तो ये एनर्जी आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, अपना मूड लाइट रखना है, अपनी एनर्जीज लाइट रखनी है। बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में वरी नहीं करना है, इट इज द एक्सटेंडेड पास्ट एंड एक्सटेंडेड फ्यूचर। सो प्रेजेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट में रहना है। और अगर हो सके तो कुछ ऐसा जरूर करना है जो आपको अच्छा महसूस कराए, मेडिटेट कीजिए, कोई एडवेंचर स्पोर्ट कीजिए, किसी भी चीज में आपका इंटरेस्ट है जो भी आपको हैप्पीनेस ला कर देता है वो जरूर कीजिए, और उससे आपको इट विल बी वर्थ डूइंग। उससे आपको एक अच्छी एनर्जी जो है वो डेफिनेटली मिलेगी। अब देखते हैं कि आपकी गाइडेंस जो है, गाइडेंस मैसेज जो है आपका वो क्या है। तो गाइडेंस मैसेज जो है वो बोलता है वॉच टावर ऑफ द नॉर्थ, और विंटर की एनर्जी है। अब विंटर अभी तो वैसे बहुत दूर है, लेकिन विंटर में क्या होता है, विंटर में स्नोफॉल होता है, विंटर में कहीं ना कहीं आप अपने आप में बहुत ज़्यादा खाते भी हो, बहुत ज़्यादा सोते भी हो, बहुत ज़्यादा अच्छा भी महसूस करते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी होती है विंटर सर्वाइव करने के लिए, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी लगते हैं विंटर में। तो यहाँ पर आपके कार्ड्स जो हैं वो बोल रहे हैं कि मैजिक और मिस्ट्री दोनों आपके लिए अनफोल्ड होने वाले हैं, और मैजिक और मिस्ट्री जो है दोनों अर्थ के एलिमेंट्स के साथ काम करता है। अगर आप किसी भी तरह के डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं, जिसे डार्क नाइट ऑफ द सोल बोलते हैं, किसी भी डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं, तो सबसे अच्छी एनर्जी है यहाँ पर सरेंडर और रिलीज करने की, और रिवॉर्ड्स जो हैं आपको लाइफ चेंजिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो आपको बेसिक एनर्जी है, रेस्ट करिए, रिजुविनेट कीजिए, अपने आप के साथ कनेक्ट कीजिए, अपनी इंटरनल एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए, गार्जियन एनर्जी के साथ, अपने गाइड्स के साथ कनेक्ट कीजिए। और ये ध्यान रखिए कि आपको जो भी चीज़ें होल्ड ऑन कर रही हैं, जो भी चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जो भी जैसे बर्फ़ जम जाती है और फिर वो बर्फ़ के नीचे आप कुछ देख नहीं सकते हो, तो जो भी वो जमी हुई एनर्जी है जो आपको चीज़ें देखने नहीं दे रही है, उनको इस महीने आपने हटाना है। और अगर आप हटाएंगे तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज, बहुत ब्यूटीफुल ग्रोथ, बहुत ब्यूटीफुल आउटकम जो है आपकी तरफ आएगा। और मुझे लिटरली लग रहा है कि डर को छोड़ेंगे, कुछ लिमिटेशंस को छोड़ेंगे, तो एनर्जीज आपके लिए बहुत ज़्यादा वंडरफुली और ब्यूटीफुली काम करेंगी और बहुत ज़्यादा अच्छे आउटकम लेकर आएंगी। अब देख लेते हैं अगर आपका सन साइन जो है, लास्ट में हम बात करेंगे आपके नंबर, कलर और चक्रा की और मेडिटेशन की, और साथ में अगर ये वीडियोज़ आपको हेल्प कर रही हैं तो प्लीज़ औरों तक ज़रूर पहुँचाइए और फीडबैक ज़रूर दीजिए, बहुत ज़रूरी है दोनों ही चीज़ें, ताकि दूसरों को भी गाइडेंस मिले और मुझे भी पता चले कि वीडियोज़ जो है रेजोनेट करती हैं और मैं मोटिवेटेड रहूँ कि मैं आपको वीडियोज़ बना के देती रहूँ।
और दूसरा, अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप एज अ मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं, और क्लासेस शुरू हो चुकी हैं तो वीडियोस आपके लिए अवेलेबल रहेंगी मेंबर्स के लिए, तो आप वो ज्वाइन भी कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले अगर आपका सन साइन जो है लियो है तो आपके लिए अलग मैसेज, स्पेशल मैसेज क्या है, तो एक मैसेज हमारे पास आ गया। अगर आपका मून साइन जो है लियो है तो, और अगर आपका राइजिंग असेंडेंट जो है लियो है तो, तो अगर आपका सन साइन जो है वो लियो है तो मुझे सबसे पहले तो आपके लिए ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है, तो फॉर श्योर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का ट्रैवल आपकी लाइफ में आने वाला है। ट्रैवल करने वाले हो, मूव करने वाले हो, और ये ट्रैवल जो है या आपको एक कामनेस की तरफ या एक बेटर एनर्जी की तरफ लेकर जाने वाला है, तो आपकी लाइफ के जो अप डाउन है, जो स्ट्रगल है, वो धीरे धीरे खत्म होने वाली है, तो ये ट्रैवल जो है ये बेटर एनर्जी लेकर आने वाला है। दूसरा, इस ट्रैवल में हो सकता है कि कोई सपोर्ट सिस्टम आपके साथ हो या आप किसी का सपोर्ट सिस्टम रहे, और आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे को हेल्प करें आगे बढ़ने में। इस टाइम में कंप्लीशन भी हो सकती है किसी तरह की, तो अगर जॉब में, वर्क में, हेल्थ में काफी अपडाउन्स आ रहे थे तो वो अपडाउन्स जो है वो थोड़े से मूव कर सकते हैं, बेटर हो सकते हैं, काम हो सकते हैं, सरेंडर की एनर्जी जो है वो बेटर वर्क कर सकती है और आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ सकते हो। वाटर इनटेक का आपने खास ख्याल रखना है। अगर आपका मून साइन जो है वो लियो है तो वाओ, लियो की एनर्जी आ गई है, स्ट्रेंथ कार्ड। और अगर आपका मून साइन लियो है तो अपनी इनर स्ट्रेंथ पे भरोसा रखना है। कुछ क्रोनिक इश्यूज हो सकते हैं जो आपके साथ चल रहे हो, जैसे बैकएक है या कोई भी क्रोनिक, कोई भी हेल्थ इशू जो है वो क्रोनिक वाली स्टेज में हो सकता है, और अगर आप अपने आप को रोकेंगे उसको एड्रेस करने के लिए या अभी भी इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो वो आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए अगर कोई भी इशू है तो उसको एड्रेस करना है। जॉ या डेंटल इशूज थोड़े से हो सकते हैं, अपनी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना है। बड़े से बड़ा ट्रबल जो है उसको आप इस महीने फेस करके हटा सकते हो और अपनी लाइफ को आगे लेकर जा सकते हो बहुत अच्छी एनर्जी में। मल्टीपल चैलेंजेस हैं अनडाउटेबली, लेकिन आपके पास वो अथॉरिटी, वो एबिलिटी, वो पावर है कि आप सारे चैलेंजेस को फेस करो, उनको हराओ और आगे बढ़ो। तो अपनी इनर स्ट्रेंथ पे इस महीने भरोसा रखना है और स्पीक अप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट जो है, और अपने वर्ड्स का चुनाव बहुत अच्छे से करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका राइजिंग जो है वो मून है, अगर आपका राइजिंग जो है वो लियो है या सिंह राशि जो है आपका असेंडेंट साइन है, तो नाइट ऑफ कॉइंस की एनर्जी आई है। अच्छे से एनालाइज करके डिसीजंस लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि आप चीज़ों को एनालाइज करें, सोच समझ के डिसीजन लें, जल्दबाजी में आगे ना बढ़ें, जल्दबाजी में ना भागें, और बिना भागे, बिना ज़्यादा वरी किए, बिना जल्दबाजी किए आपने सोच के समझ के एनालाइज करके डिसीजन लेने हैं। इन्वेस्टमेंट्स पे ऑफ करेंगी जो सोच के करेंगे आप, और रिजल्ट मिलेंगे। हेल्थ में थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, मुझे स्टोन की एनर्जी थोड़ी सी दिखाई दे रही है, तो अगर कोई पेन है, अगर कोई स्टोन आपको ऑलरेडी है, आपने मेडिसिन छोड़ के रखी है, स्पेशली किडनी स्टोन, तो डॉक्टर से बात कीजिए, और इफ़ यू नीड द मेडिसिन तो दोबारा मेडिसिन ले सकते हैं। और अपने आप को एक्सप्रेस करना जो है सही तरीके से, सही वर्ड्स का इस्तेमाल करके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो ये एनर्जीज जो है आपके लिए है। और अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपका जो नंबर ऑफ द मंथ है जुलाई के महीने के लिए, नंबर ऑफ द मंथ आपका जो है वो रहने वाला है नंबर 1। नंबर 1 की एनर्जी आपके लिए बहुत स्ट्रांगली काम करने वाली है, नंबर 6 भी, नंबर 1 भी, दोनों एनर्जीज। और कलर ऑफ द मंथ इस महीने मैं बोलूंगी रेड और ग्रीन, दो कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो और चक्रा ग्राउंडिंग जरूर कीजिएगा, लोअर रूट चक्रा का अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं और हार्ट चक्रा का तो बहुत अच्छा रहेगा, तो ये दो चक्रा का मेडिटेशन जरूर कीजिए। और कोशिश कीजिए अपने मूड को लाइट रखने की, अपनी एनर्जी को लाइट रखने का, और कुछ ना कुछ जरूर ऐसा कीजिए जो आपको हैप्पीनेस दे। हर रोज 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट सिर्फ अपनी हैप्पीनेस के लिए, चाहे वो एक कॉमेडी का क्लिप देखिए, चाहे कुछ राइटिंग कीजिए, चाहे कुछ पेंट कीजिए, चाहे बच्चों के साथ स्पेंड कीजिए, आपने अपने लिए हर दिन एटलीस्ट वो 5 मिनट रखने हैं जो आपको लाइटन अप करने के लिए हेल्प करें। बहुत हेल्प करेगा इस महीने आपको, क्योंकि महीना बहुत सारे चेंजेस लेकर आने वाला है। और अगर पसंद आए वीडियो तो सब तक जरूर पहुंचाएं और फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।